तो देखिए गाइस 12 बज चुके हैं अभी नहीं बजे 12:02 हो गए अभी नहीं बजे और दीक्षा का बर्थडे चालू हो चुका है। दीक्षा का बर्थडे शुरू हो गया तो उसके लिए लाए हैं केक। तीन मिनट होती ना केक वेक सब तो केक आ चुका है तो उसका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। ये मना कर रही थी कि मुझे बर्थडे नहीं मनाना ना केक काटना, मगर बाबू ने केक मंगा लिया है कि केक तो काटना है क्योंकि केक से ही अच्छा लगता है तो केक कट होना चाहिए। कोई नहीं तो सब रेडी है। मामी ये देखिए सब मामी नींद में हो रही है, परेशान हो गई, नींद आ रही। भाभी सुबह की उठी हुई है हमारी वजह से, सुबह से लगी पड़ी है। भाभी गुस्सा हो रही है, नींद आ रही भाभी की आंखें हो रही है। तो भाई तो सो रहा है तो भाई नहीं आएंगे। चलो दीक्षा तू एक तरफ को तो बैठ, यहाँ तो आ मम्मी, तुम थोड़ा उधर को जाओगी। बैठी आराम से। मम्मी इसकी केक की पैकिंग बड़ी अच्छी लगी, हमारे यहाँ नहीं होती ऐसी केक की पैकिंग। ये देखो और केक भी बड़े उससे अच्छे उसमें आया है। ये देखिए क्या उसके साथ ये चीजें भी मिली है। और देखिए यहाँ पर केक देखो कितने अच्छे से आता है। देखो इसके साथ इसके ये वाली केक के अंदर डालो फिर जला। हाँ और इसके अंदर पिन है, पिन लगा के फिर इसके ऊपर रखी जाती है ना ये। और देखिए चक्कू, अरे चक्कू भी इसके अंदर पैक होकर आया है। हमारे यहाँ की तरह थोड़ी ना चक्कू, ये प्लास्टिक का दे दे मैं लो। और देखो चक्कू भी देखो कितना स्पेशल है, उसके अंदर पैक होकर आया है, इतना स्पेशल। देखिए अच्छी क्वालिटी का, पहले तो केक का डब्बा ही देख लीजिए कितना बढ़िया है। ले और बढ़िया दिखा दे नानी, दो मिनट ये ले ऊपर से। कितना बढ़िया केक, मेरी नानी ने चेरी गिरा दी और डैडी की फेवरेट चेरी, चेरी ये तो लगाओ भाई। ये कहाँ चला गया लल्ला, लल्ला गाइज गाइज 12 नहीं बजे क्या? 12 बज चुके हैं, बुलाओ से ले मैम बैठ।
moments later. So hello guys. अब हम मैगी बनाने जा रहे हैं और अनमोल प्याज काट रहा है और अभी टाइम हो रहा है, क्या टाइम हो रहा है, 12:40। अनुराग इधर आ, जल्दी आ, हटवाई हट इधर, भाई जैसे मिर्च मसाले खाते हैं कम डालना भाई, तुम बस डाल दे डालना। मैगी का मसाला दूसरे के घर पर ऐसा लगा भाई कि मैं क्या जिम से लड़ रहा हूँ, क्या दूसरे घर पे जा रहा हूँ, अभी बनाया बस यहीं तो कर दिया, बनाया नहीं 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 यहीं तो कर दिया, पानी डाल दूँगा फिर बात पे डालते हो वही जो बोलेंगे यार, हम दवा डाल दे भाई, पानी आप क्या मारे डाल दो, और सो गाइस वी आर बैक, हम थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गए थे बैग बनाने से, बट वी आर बैक। ये बाबा इसके पेट दिखा दे, हमारे नहीं बनते The next day. Hello, good morning guys. कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप भी बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो सुबह के बज चुके हैं 9:15 और भाई ऑफिस जा चुके हैं और मम्मी आज भाभी के साथ गई है हॉस्पिटल क्योंकि मम्मी का चेकअप था, तो भाभी गई साथ में। तो बच्चे चारों सो रहे हैं, मेरे भतीजा भतीजी दोनों मेरे बच्चे चारों जने सो रहे हैं और पूरे घर में मैं अकेली जगी पड़ी हूँ। तो मैंने दिखाती हूँ मैंने क्या काम करा। भाभी नाश्ता वास्ता सबको करा करो के चली गई, तो मैंने किचन देखी साफ़ कर दिए, किचन साफ़ कर दिए, बर्तन धो दिए हैं, तो किचन की करते हैं लाइट बंद। बच्चे चारों सो रहे हैं, चार नहीं सात बच्चे, सात तीन डॉगी भी है ना हमारे, तो वो भी सो रहे हैं। तो ये देखिए मसाज करने का, तो मैं आपको दिखाती हूँ इससे बहुत फ़र्क पड़ता है मेरे पैरों में तलवों में। देखिए इतनी अच्छी मशीन है ये देखिए, और इसका यहाँ पर बटन है ये देखिए, ये और लाइट जल गई, और ये देखिए और आपको दिखाती हूँ। और मेरे शोल्डर में दर्द होता है तो ये देखिए बड़ा अच्छा लगता है इससे मसाज।
बहुत रिलैक्स मिलता है, तो आप लोग भी मंगा सकते हैं। पर मुझे पता नहीं कहाँ से मंगवाई है, तो मेरा भतीजा लाया था ये। मेरे भाई के लिए मंगाई थी, मेरे भाई के पैरों में ऐसे दर्द होता है जैसे मेरे दर्द होता है, तो बहुत रिलैक्स मिला। बहुत अच्छी मशीन है, और किसी से लड़ाई हो तो हाँ हथौड़े की तरह मैं तो मजाक कर रही हूँ, पर अच्छी है। मैं बना रही हूँ यहाँ पर मैक्रोनी उबाल रही हूँ, और यहाँ बना रही है अनुराग के लिए रोटी, और यहाँ उबल रहे हैं आलू। आलू के पराठे बनाऊंगी अपने भतीजे के लिए, बाबू के लिए, और अपनी भतीजी के लिए बना रही मैक्रोनी, और अनुराग के लिए रोटी। और अनमोल खा रहा है यहाँ पर, क्या खा रहा है भाई? छोले भटूरे रखे थे फ्रिज में, तो खराब नहीं हुए, तो वो खा रहा है क्योंकि वेस्ट नहीं करना खाना, एकदम ठीक है, वो खा लिए सबने। तो चलिए गाइस, तो अभी बन के अनुराग को नाश्ता देती हूँ, फिर दवाई देती हूँ, और फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। देर में बना रही हूँ मैक्रोनी, मैक्रोनी का मसाला तैयार कर रही हूँ। यहाँ पर आलू उबल चुके हैं, निकालती हूँ मैं, और यहाँ पर मैक्रोनी भी उबल चुकी है, ये देखिए। तो चलिए गाइस, तो बना के मिलते हैं। मैक्रोनी रेडी हो चुकी है, और अब बना रही हूँ मैं आलू के पराठे। ये देखिए आलू का बैटर मैंने तैयार करे, क्योंकि वो प्याज वगैरह नहीं डलवाने देता बाबू, तो इसलिए इसमें मसाले डाले, पराठे मसाला डाला मैंने, अजवाइन, हींग, नमक, मिर्च। तो चले गए, तो बनाते हैं अब उसके लिए पराठे, अब बाबू के लिए, और उसको खिलाते हैं नाश्ता। आलू का पराठा रेडी है, आलू का पराठा और दही, और इधर मैक्रोनी रिक्शा करी, अब दोनों बहन भाई खाएंगे नाश्ता। तो चलिए गाइस, तो बनाते हैं आलू के पराठे, और फिर मिलते हैं आपसे हम। A few moments later, भाई लेकर आए हैं गोलगप्पे, अप्पे अप्पे गोलगप्पे, और यहाँ बन रही है चाय, यहाँ बन रहा है उबल रहा है दूध, भाभी बना रही है, और ये किसके हैं भाई? सौंठ वाले खाती हूँ मैं भी, नहीं रखा हुआ, वो कह रही जो जो खाएगा ज्यादा खाना, तो सौंठ खाते हुए मजा आता, नहीं मजा बनाना मत, बनाना मत खाते हुए, हिसाब किताब से देना सब। आ जा भाई अनमोल, अनमोल लोड़े में सोरे, अनमोल सोरे, अनमोल खड़ा हो जाते, गोल गप्पे आ गए भाई, मुझे भी मत बनाना, बहुत ही मीठा ले ले, चाय रुक के बनाना भाभी, अभी मत बनाओ, हां इसलिए मत बनाओ, बड़ी मम्मी, अरे 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 देखे मम्मी भाई को दे रही हूँ टाटा कर, सोनी तू नहीं मम्मी, पानी हो, लोगों ने खा लिए हैं गोलगप्पे, अच्छे लग रहा है। शाम का 6:30 हो रहे हैं, तो भाभी ने और मैंने मिलकर कटहल काटा है, तो अब मैं बना रही हूँ कटहल, कटहल को फ्राई करो, तो भाभी ने झाड़ू वाड़ू लगा दी है, तो अभी से फ्राई ब्रेक करके सब्जी बनाऊंगी मैं, अभी प्याज व्याज काटूंगी और फिर सब्जी बनाएंगे अच्छे से, और थोड़े से चावल बनाएंगे हम, और देखते और क्या बनाते हैं, क्योंकि भाभी तो दोपहर को ही कहती सब्जी बना लो, मैंने ही मना कर दिया था कि नहीं भाभी सब्जी रखे हम सब से खा लेंगे, नहीं तो भाभी होती तो ज़रूर बना के रख देती दोपहर की सब्जी, फिर शाम को अलग बनती, तो मैंने ही रोक दिया, मैंने कहा नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, हम इसी से खा लेंगे, शाम को बनाएंगे, अब देखते और क्या बनाते हैं, जो भी बनाएंगे हम ज़रूर दिखाएंगे आपको, क्योंकि खाना खाइए, और कटहल बहुत अच्छा बना है, मैं अपनी चाय खड़ी कर देती हूँ, और दाल चावल बनाए भाभी ने, दाल बहुत अच्छी बनी है, गर्मी लग रही है ना, ब्लॉग में जी सामने है ना, इसलिए मैं यहाँ बैठी हूँ, यहाँ थोड़ा फ्लो लग रहा है मुझे, अब ब्लॉग में सब कहेंगे पाँव फुला के बैठिए रोटी, तो आइए आप भी खाना खाइए, दाल चावल रोटी कटहल बहुत स्वाद बना है, तो टाइम हो गया 9:30, अनमोल के पापा भी खाना नहीं खा रहे इसलिए मैं अकेली खा रही हूँ, बच्चे अंदर खाना खा रहे हैं, सब ने खाना खा लिया, बस भाभी रह गई है और अनमोल के पापा, और शायद मम्मी ने भी नहीं खाया खाना भी,
तो खा लिया, मैं क्यों पीछे रह जाऊँ? खा लिया और क्या, तेरा मतलब चल बना, मैं रोटी नहीं खाऊंगी। यही टाइम हो रहा है 12:15, 11:40 हो रहा है। और हेलो गाइस, हेलो गाइस, तो देखिए ग्लू ग्लू से मीटिंग हो रही है, कपड़े चेंज करो उनके पापा। और दीक्षा तो बैठती है अपना काम करती रहती है, कितने कितने बजे तक काम करती है? तो 12-1 बजे तक काम करती है ये अपना। करोगे ब्लॉक एंड ऐसे? मैं करूंगा बात, मैं करूंगा बात, ऐसे ब्लॉक करने को होता हमारा। मम्मी कर, मम्मी कर, बाय। नानी पे मत गिर जाइयो, नानी की बाइक। चलो अच्छा, तो बाबू गुड नाइट, मिलते हैं कल फिर नए ब्लॉग के साथ। बाबू तो बाबू बाय।